आपको अपना राजन राही सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। 11 अप्रैल 2023 हम इस वक्त मौजूद है केंद्रीय सचिवालय में। यहाँ पर अभी तो इस मीटिंग का समापन हो चुका है। राजकुमार आनंद जी यहाँ पर आए, जगदीश यादव जी थे और भी गणमान्य व्यक्ति हम मौजूद थे। उनका कहना है कि 14 अप्रैल को त्यागराज स्टेडियम में बड़ी धूमधाम से और भारी हर्षोल्लास के साथ, भारी संख्या के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। और आज आम आदमी पार्टी को 10 तारीख को जो दर्जा मिला है राष्ट्रीय पार्टी का, उसकी खुशी पर उन्होंने अपने दिल की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करें। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपका अपना राजन नहीं सच की रफ्तार। बाबा साहब 75 साल आजादी को हो गए, 75 साल आजादी को हो गए, लेकिन जो ऊंच नीच छोटा बड़ा, जैसे भी भाई साहब ने बताया था कि चारपाई होती थी, चारपाई में कुछ लोग बैठे होते थे, कुछ लोग खड़े होते थे, कुछ लोग जमीन पर बैठे होते थे, यही ऊंच नीच होती थी। और कुछ लोग तो बैठ भी नहीं पाते थे, नीचे जमीन पर भी नहीं बैठ पाते थे। तो जो ऊंच नीच थी, जो हायरार्किकल सिस्टम था सोसाइटी में, वो 75 साल के बाद भी आज भी नहीं टूटा, पूरी तरह से उससे मुक्ति नहीं मिली। और कहीं अगर मिली है तो वो सिर्फ इसलिए मिली है कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो सेवकी का दूध है, जिसे भी वो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज बाबा साहब के बच्चे शिक्षा रूपी दूध को पीकर देश विदेश में दहाड़ रहे हैं। और शहरों में ये इसीलिए हमें कम दिखाई देती है क्योंकि शहरों में शिक्षा पर काम हो रहा है। जहां जहां शिक्षा पे काम हो रहा है वहां वहां से ये ऊंच नीच कम होती जा रही है। और जहां जहां गांव में देहात में शिक्षा पर काम नहीं हो रहा वहां आज भी ऊंच नीच की भावना है। दिल्ली में शिक्षा का मॉडल इतना बढ़िया बना दिया गया कि देश में ही नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छापना पड़ा कि अगर शिक्षा का बेहतरीन मॉडल देखना हो तो दिल्ली उनमें से एक है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो हमें सुविधाएं देती है, जो दिल्ली वालों को सुविधाएं देती है, उसमें से एक सरकारी स्कूल, और वो मिशन यहाँ तक पहुँच गया कि आज हिंदुस्तान में भी विदेशों में भी बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्मदिन है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक जमाना था जब बाबा साहेब पे लोग बात करने में कतराया करते थे, बाबा साहेब पे लोग बात करने में नाक मुंह चढ़ाया करते थे, लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज बाबा साहेब पे लोग पढ़ा करते हैं, थीसिस लिखा करते हैं, पीएचडी करा करते हैं। आज बाबा साहेब पे बात करने में लोग फख्र महसूस किया करते हैं। आज बड़े बड़े लोग बाबा साहेब पे बात किया करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को अपना भाषण देना हो, अच्छे भक्त अरविंद केजरीवाल जी और राजकुमार आनंद जी हैं जो बाबा साहब की विचारों को आगे फैलाने का काम करते हैं। बाबा साहब का नाम लेकर सारी पार्टी आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनके विचारों को वहीं तक सीमित रखती हैं। लेकिन आज आदरणीय केजरीवाल जी ने जो एक बहुत बड़ा काम किया कि हम सबको, पूरे सरकारी तंत्र को ये आदेश दिया कि बाबा साहब की फोटो ही सारी सरकारी, ये इसमें काफी मेहनत करके 5 महीने मुझे हुए भी बने, तो काफ़ी मेहनत करके हमने अब इसको फाइल को क्लियर कराया, नहीं तो ये सीबीआई की जानकारी थी, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन अब ये क्लियर करा दी गई है। इसके अब अगले हफ्ते से ही सबको बच्चों को स्टाइपेंड, 2 साल का इकट्ठा स्टाइपेंड, और जितने बच्चे जो इंस्टीट्यूट है उन सबकी पेमेंट इसमें मिल जाएगी। इसी में 1 साल से ये स्कीम बंद थी, इसी में इस साल एक नई स्कीम हम ला रहे हैं जैविक प्रतिभा विकास योजना में। पहले ये सिर्फ IAS के लिए होती थी, हमने स्टडी किया और ये नई स्कीम ड्राफ्ट की। इसमें खाली IAS के लिए नहीं, क्योंकि IAS में सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है, चाहे हम कोई भी कास्ट हो, सबके लिए कम है, क्योंकि वैकेंसी जब कम होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी कम होंगी। हमारे SC में ST में OBC में
हमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी जिसमें ज्यादा होंगी वो भी हमें काम करना चाहिए। तो हमने इसको कई जगह बांट दिया। अब हम उस पैसे को आईएएस में भी देंगे, कस्टम ऑफिसर्स में भी देंगे, इंस्पेक्टर में भी देंगे, टीचर्स में भी देंगे, जुडिशरी में भी देंगे, ऐसे बहुत सारी चीजों उसके वर्टिकल्स हमने बढ़ा दिए हैं। मेरा ये मानना है कि आईएएस जितना पे बैक टू सोसाइटी करता है उससे ज्यादा एक एसएचओ कर सकता है। आज दिल्ली में दलितों का, ओबीसी का, पुलिस में सुनने वाला आदमी का, हमारे लोग जाते हैं थाने और उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब आप लोग बड़े अच्छे घरों से आए, मुझे पता है गरीबों का दर्द हमें समझना है। अगर हम अपने से नीचे वालों का दर्द समझेंगे, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। मैं समझता हूँ यही पे बैक टू सोसाइटी है। अगर हम करोड़पति हैं तो हमें अपने से नीचे वालों का देखना है, लखपति है तो उससे नीचे वालों का देखना है, 10,000 है तो 9,000 वाले को तरफ लेनी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे विक्टिम का साथ देना है। ये आप लोगों की जीत है, ये बाबा साहेब के अनुयायियों की जीत है। बाबा साहब 75 साल आजादी को हो गए, 75 साल आजादी को हो गए, लेकिन जो ऊंच नीच छोटा बड़ा, जैसे भी भाई साहब ने बताया था कि चारपाई होती थी, चारपाई में कुछ लोग बैठे होते थे, कुछ लोग खड़े होते थे, कुछ लोग जमीन पर बैठे होते थे, यही ऊंच नीच होती थी। वो कुछ लोग तो बैठ भी नहीं पाते थे, नीचे जमीन पे भी नहीं बैठ पाते थे। तो जो ऊंच नीच थी, जो हायरार्किकल सिस्टम था सोसाइटी में, वो 75 साल के बाद भी आज भी नहीं टूटा, पूरी तरह से उससे मुक्ति नहीं मिली। और कहीं अगर मिली है तो वो सिर्फ इसलिए मिली है कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे भी वो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज बाबा साहब के बच्चे शिक्षा रूपी दूध को पीकर देश विदेश में दहाड़ रहे हैं। और शहरों में ये इसीलिए ये चीज हमें कम दिखाई देती है क्योंकि शहरों में शिक्षा पर काम हो रहा है। जहां जहां शिक्षा पे काम हो रहा है वहां वहां से ये ऊंच नीच कम होती जा रही है। और जहां जहां गांव में देहात में शिक्षा पर काम नहीं हो रहा वहां आज भी ऊंच नीच की भावना है। दिल्ली में शिक्षा का मॉडल इतना बढ़िया बना दिया गया कि देश में ही नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छापना पड़ा कि अगर शिक्षा का बेहतरीन मॉडल देखना हो तो दिल्ली उनमें से एक है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो हमें सुविधाएं देती है, जो दिल्ली वालों को सुविधाएं देती है, उसमें से एक सरकारी स्कूल है।